यहाँ पर एलोन मस्क का माइंडसेट समझने के लिए उनके इस विचार को टच करते हैं कि अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जादू जैसी प्रतीत होती हैं, जैसे लंबी दूरी पर कुछ पल में ही बात कर लेना, लंबी दूरी पर तस्वीर भेज देना, फोटोज़ भेज देना, ये जादू जैसा प्रतीत होता है। वो कहते हैं कि जब ये हुआ होगा या किसी ने इसको इमेजिन किया होगा तो कैसा रहा होगा, ये जादू जैसा लगता है। तो ऐसा ही उन्होंने बोला है कि अगर हम कुछ साल पीछे जाएं और देखें तो ये चीज़ें हमें जादू जैसी महसूस होती हैं। ऐसे ही अगर हम भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि वो अभी हमें बहुत अजीब लगें या ऐसा लगे ये हो ही नहीं सकती, मगर एक दिन वो भी होंगी, क्योंकि वो भी ये सारे जितने आविष्कार हुए हैं, इनोवेशन हुए हैं, ये सब किसी न किसी की कल्पना का ही परिणाम है। तो इस वजह से हमें हमेशा इमेजिन करते हुए, कल्पना करते हुए, रचनात्मक कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए नई नई चीज़ों को बनाते रहना चाहिए और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हम भी सफलता के अलग अलग नए नए ऊँचे ऊँचे मुकामों को छू सकें।